क्या बना रहे हो ये? छपरा। क्या? छपरा। नाम क्या आपका? हलीम। हलीम। आपका? सोहिल। कहाँ के रहने वाले हो? लुधियाना। लुधियाना के? आप भी लुधियाना से हो? हाँ। तो ये क्या बना रहे हो पूरा? छपरा। छपरा क्या मतलब? बैठेंगे, बारिश होगी बैठेंगे नीचे। अच्छा, बारिश होगी तो यहाँ बैठेंगे। हाँ। अच्छा, स्कूल वगैरह नहीं जाते आप? नहीं जाएंगे, पैसे नहीं होंगे क्या जाएंगे? पैसे नहीं होंगे। ऐसे क्या काम करते हैं? ढोलक का कबाड़ छुपते हैं। कबाड़ उठाते हो? हाँ। आप? कबाड़ छुपते हैं। तो कितने पैसे कमा लेते हो दिन में? दिन पे 100-150 कमा लेते हैं। 100-150 रुपया दिन का कमा लेते हैं। आप भी? स्कूल जाने की इच्छा है? आज तक कभी स्कूल गए हो? पता है कि स्कूल कैसा होता है? कभी जिंदगी में स्कूल देखा ही नहीं है? सच में नहीं देखा? कभी ये भी नहीं किया कि टीचर कैसे पढ़ाता है? मन भी नहीं किया कभी जाने का? इधर इतने सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे कभी जाने की कोशिश नहीं की? किसी ने कोई, जैसे गवर्नमेंट बड़ा बोलती है कि बच्चों को पूरी शिक्षा देनी चाहिए, तो आपको कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आपको हम लेके जाएंगे स्कूल में? कोई NGO वगैरह कोई कुछ नहीं आया आपके पास कभी? कोई नहीं आया। ठीक है। बोलते हैं साधन नहीं है, पैसे नहीं है। इन छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं। मैं रोज अपने अर्ली टाइम ऑफिस के बाहर से जाता था यहाँ पर, तो आज मेरी नज़र पड़ी इन बच्चों पर, तो देखा कि ये छपरा बना रहे हैं। छपरा जाने की, ये छाया के लिए, अपनी बारिश से, धूप से बचने के लिए, एक जैसे हम छाता यूज़ करते हैं वैसे ये छपरा बना रहे हैं। इनकी लैंग्वेज में कहें तो इसे छपरा कहते हैं। मैं रोज़ अली टाइम के बाहर से निकलता था, देखता था ये छोटे छोटे बच्चे, जैसे आप देख सकते हैं वो अभी खेल रहे हैं। बचपन में ऐसे लोग, हम टायर के साथ खेला करते थे। आजकल ये टाइम नहीं रहा, क्योंकि आजकल जो लोग स्कूल जाते हैं वो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो बच्चे ये नेचुरली खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे, कितने प्यारे से बच्चे। रुकिए, आपका नाम क्या है? तन्नू। तन्नू, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पंजाब। पंजाब से? आपका नाम? अरशद। अरशद, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब। पंजाब के? कभी आप स्कूल गए हैं? नहीं। तो आप स्कूल गए हैं? मैं गया हूँ। कौन से स्कूल में? जानते नहीं। यहाँ जम्मू में स्कूल गए हैं या अपने पंजाब में स्कूल गए थे? पंजाब में। पंजाब में स्कूल गए थे? कौन सा? गवर्नमेंट स्कूल था? क्या सीखा वहाँ पे? कुछ सीखा? क्या सीखा? भूल गया सारा। भूल गया सारा? कौन सी क्लास तक पढ़े हो? नर्सरी, LKG? आप आइए, आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जमीर। जमीर, कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना। लुधियाना के हो? कभी स्कूल गए हो? गए हो। कौन सी क्लास तक पढ़े हो? हाँ, UKG। UKG तक? मन नहीं करता आगे पढ़ने का? नहीं, मम्मी पापा आ गए थे, मेरा दिल लग रहा था, मैं भी जम्मू देखा नहीं मैंने, फिर मैं भी आ गया छुट्टी मार के यहाँ पे आ गया। अब छोड़ दिया आगे पढ़ने का नहीं, अब मन है? पढ़ूंगा। पढ़ोगे? कब पढ़ोगे? इधर जाऊंगा, लुधियाना पढ़ूंगा। लुधियाना वापस जाओगे? हाँ। आप सबका पढ़ने का मन है, स्कूल जाने का मन है? है। बट कभी कोई NGO या कोई ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई वगैरह कोई ऐसे आए? गवर्नमेंट की बातें की जाती है बड़ी बड़ी, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, राइट टू एजुकेशन, ये वगैरह वगैरह, बट इन बच्चों को आप देख सकते हैं ये आज तक स्कूल नहीं गए। इनमें से सिर्फ एक लड़का जो UKG तक गया है, वो भी पंजाब में। इतनी बारीकी का काम आप देख सकते हैं, ढोलकी बनाना बहुत मेहनत का काम है। ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं कर सकता, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आप ढोलकी बना रहे हैं, ये रिपेयर कर रहे हैं कि ये नई ढोलकी बना रहे हैं? ये नई ढोलकी बन रही है ना, रिपेयर किए। ट्रेक में आती है टूटी फटी, इसमें उठा के जब पैसा निकालना जी है, तो 4 रुपए इसमें उठा गए, इसको रिपेयरिंग करके हाँ, कोई सारी जी आला मिल जाता, हल्का दाम से बेच देते, 400 की 500 की 400-500 ऐसी करके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इजाजत अली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के रहने वाले हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी लोग हैं सारे यूपी के ही रहने वाले हैं, यूपी, लुधियाना, पंजाब के, है ना? और सारे मुस्लिम हैं? सब मुस्लिम हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू मुसलमान लोग कितने बड़े बड़े बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान फसाद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, एक मुस्लिम बंदा एक हिंदू के लिए, जो ये हमारे हिंदुओं के जितने भी हिंदू लोग होते हैं उनके लिए, उनके जगरातों में, ब्याह शादियों में यूज़ की जाती है ढोलकी, ढोलक हम कहते हैं, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये भाईचारा बढ़ा रहे हैं,
तो लोग ऐसे ही बोलते हैं हिंदू मुसलमान की बनती नहीं है, पर हिंदू मुसलमान अंदर से एकजुट है, एकजुट है, बराबर है, भाई भाई की तरह, भाई भाई की तरह, भाई भाई की तरह है, जा कैसे खाना पीना सब में शरीक है, हिंदू मुसलमान सब एक ही है, भाई भाई एक ही है, मगर क्या है गुजारा करने के लिए करना पड़ता है, मंदिर में गुरुद्वारे में ये बजने वाली चीज है, यानी उठा कोई सत्संग वास्ते कर जाता है, कोई माँ बहन ले जाती है मेला मंडल के वास्ते, यानी टोल की बटाई भी कर लेते हैं, फिर उसको रिपेयरिंग भी कर देते हैं, टूटी फटी बना भी देते हैं जी। ये मतलब होता है जाके यहाँ पर आदमी आते हैं जाके भाई ढोलकी लेके चले जाते हैं, देख के जाते हैं, सामने ही काम करते हैं उनके। ये आप कितने की ढोलकी बेच देते हैं? ये देखो जैसे ये टूटी फटी ढोलक है, हमने 400-500 की रस्सी वाली होती है वो बेच डालते हैं, जैसे चाबी वाली ओरिजिनल माल होता है जाके बिक जाती है वो 800 की, 1000 की भी, 1200 की भी, ऐसे ढोलक होती है ओरिजिनल। रोज के कितने ढोलक बेचते हैं? रोज के तो देखो कभी दो कभी एक कभी तीन इस तरह से बिक जाती है जाके। कभी नहीं बिकती सारा जब सीजन होता होगा कि शादी ब्याहों का सीजन है तब ढोलकी ज्यादा यूज की जाती है, जगरातों में ढोलकी ज्यादा यूज की जाती है, बट ऐसे नॉर्मली तौर पर आपका कैसे गुजारा होता है? नॉर्मली जगह बरसात आ जाती है जाके, जब भी जाते हैं फेरी करने के लिए जाके 4 महीने के लिए, एक दो ढोलकी कहीं ना कहीं मेला मंडल वाली भी मंदिर में कहीं रिपेयरिंग करने मिल जाती है, 150 रुपये मिल जाता है, वही बच्चे का गुजारा हम करते हैं, ये मतलब होता है। जी जी, आइए इनके घरों की तरफ जाते हैं और देखते हैं ये कैसे रहते हैं। अब आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? समीना। समीना, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के। यूपी के। गवर्नमेंट बात करती है बड़े बड़े कि हम लोगों को घर बना के देंगे, जो गरीब तबका के लोग हैं उनको हम घर बना के देंगे, कुछ उनको बच्चे जैसे आप देख रहे हैं ये स्कूल नहीं जाते हैं, ये यहीं पे कुछ कूड़ा वगैरह उठा के, वो प्लास्टिक वगैरह उठा के बेच कर पैसा अपना रोज़गार कमाते हैं आपकी मदद करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है? कभी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई आया आपके पास यहाँ पे, या गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई आई आपके पास आज तक? आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, और बच्चे भूखे प्यासे मर रहे, नंगे प्यासे, कभी खाना पाते कभी नहीं पाते जी, कूड़ा कबाड़ नाली में हाथ डालते हैं, कूड़ा कबाड़ एक एक रुपया ठक्का करके जब बच्चे को उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, जब उसका पेट नहीं पाल सकते हैं, उसका कपड़ा ये राशन कापी पिल्सन कहाँ चलाएंगे जी, जो उसका स्कूलों में भर्ती भी करेंगे, स्कूल वाला फीस मांगता है, उसकी फीस कहाँ से भरे बस। कभी आपने कोई एनजीओ या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई अथॉरिटी वगैरह नहीं है इन बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए, जाए इनको कुछ देने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए? कभी कभी जब बरसातों में मैंने देखा यहाँ पे पानी भर जाता था, वो आपका कैसा आपका रहन सहन कैसे, क्या कैसे मैनेज करते? ऐसे ही पड़े रहते थे, और क्या जब बारिश आती थी चादी पल्ली को ओढ़ देते थे, बच्चों को सुला देते, हम बैठ रहे हैं, भीग जाते नहीं, दफ्ते में बैठ जाते थे बस, कोई आया खाना दे दिया, कोई आया रोटी दे दिया, सेक लवारिस की तरह जिंदगी गुजरती है, जिंदगी गुजर रही है। सर्दियों में कैसे गुजारा होता है, गर्मियों में कैसे गुजारा होता है, ये तरपाल के नीचे ऐसे सब ऊपर वाला, सब ऊपर वाला, ऊपर वाला। अब जैसे कि ये सब कुछ करके के बाद में अपना माल तैयार करके फेरी जाते हैं, ठीक है, गांव-गांव गली-गली फेरी लगाते हैं, वहाँ पर ढोलक कोई पुराना मिल गया उसको ठीक भी कर देते हैं, वहाँ भी रिपेयर कर देते हैं, अगर नहीं होता उसको चेंज कर देते हैं, दूसरा दे देते हैं, नया ले देते हैं, उसको ले आते हैं, फिर उसको रिपेयरिंग करने के बाद में उसको भी देख लेते हैं, अगर बनने वाला होता उसको बना देते, नहीं उसको हम फेंक देते हैं। जम्मू में कितने सालों से? देखो जम्मू में हम आपको असलियत बताएं, जो हमारे बाप दादा थे ना, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, यहाँ से लेकर पैदल जाते थे लाहौर तक, 100 साल से हम लोगों का जम्मू में आना जाना है, आना जाना है, हाँ 100 सालों से। ये आपके कबीले में कितने घर हैं? यहाँ पर मेरा क्या लगा, कोई 10-12 घर हैं, 10-12 घर हैं, और 10-12 घर साथ के साथ चलते हैं, साथ के साथ चलते हैं। ऐसे ढोलकी बनाई जाती है, कैसे आप देख सकते हैं, ये आप सर क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर? ये भूरा है, लकड़ी का भूरा लगा रहे हैं। ये ढोलक कितने में मार्केट में बिक जाती है? ये बिक जाती है 500-600 की, 500-600 तक। तो आपने देखा कि कैसे ये गरीब तबके के लोग ढोलक, और या फिर मेरी भाषा में कहें ढोलकियाँ बनाकर पूरे दिन का गुजारा करते हैं अपने, और ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है कि राइट टू एजुकेशन ये वो वगैरह वगैरह, हम इनको घर देंगे, ये देंगे, खाना पानी सब कुछ देंगे, ये बच्चे बेचारे कूड़ा कचरा उठाकर अपना रोज़गार करते हैं पूरा दिन का, इनके पास कोई पैसे नहीं होते हैं, ये अपने स्कूल इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि इनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये अपना फीस दे सकें। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बट इनको इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है कि इनको पता चले कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन कैसे करवाई जाती है। मैं दरख्वास्त करूँगा कंसर्न अथॉरिटी से या किसी एनजीओ से कि वो अपना कदम आगे बढ़ाए और कृपया करके इन बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। इन बच्चों का फ्यूचर, ये आने वाला हमारा हिंदुस्तान है,
यही बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। मैं दरख्वास्त करूंगा कंसर्न अथॉरिटी से और कोई एनजीओ से, कोई भी एनजीओ आगे आए, कदम बढ़ाए और इन बच्चों को, जो ये अर्ली टाइम्स ऑफिस है हमारा, इसके बाहर जेडीए पार्किंग में ये रहते हैं लोग, इनके ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा अपना ध्यान दें और इनको स्कूल में दाखिल कराएं और इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाए जो एक नागरिक को दी जाती है। मैं नितिश भारद्वाज, कैमरा के पीछे है गुलशन।